तो वहाँ से जल लेने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। मतलब बाबा बैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ धाम के बीच में जो ट्रैवल किया मैंने 50 किलोमीटर का, और उसमें जो मुझे व्यू दिखा ना झारखंड का ग्राम इलाके का, वो कमाल था। तो फिर हम लोग सफ़र करते हैं, फिर कुछ देर बाद बासुकीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। हाय, मेरा नाम है राज रोशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं। तो हाल ही में मैं एक यात्रा पे गया था, बाबा बैद्यनाथ धाम गया था, देवघर जो झारखंड में पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, तो जो भी बाबा धाम जाते हैं ना, वहाँ पर हम लोग बोलबम भी बोलते हैं उसको, जो भी बाबा धाम जाते हैं, जो जल लेके जाते हैं, तो वो खाली पैर सफ़र करते हैं। तो मैं भी शाम के 5 बज रहे थे और मैं नीचे आ जाता हूँ, कपड़ा पहन के नहा धो के और जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो मैं घर से निकल जाता हूँ 5 बजे करीब। फिर हम लोग जल्दी जल्दी हावड़ा पहुँचते हैं, तो हावड़ा से हम लोग जल लेते हैं। हावड़ा में यहाँ पर गंगा जी को हुगली नदी भी कहते हैं। तो वहाँ से जल लेने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी हावड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। तो स्टेशन पे जाके पता चलता है कि हम लोग 45 मिनट्स जल्दी पहुंच गए हैं ट्रेन का डिपार्चर से। तो हम लोग का ट्रेन का नाम था हावड़ा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जो कि 8:30 बजे हावड़ा से खुलती है और 1:15 में आपको जयसीडी उतार देती है। तो जयसीडी से हम लोग सफ़र करते हैं, वहाँ से करीब होता है। तो फिर हम लोग कुछ देर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वेट करते हैं, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन 20 मिनट्स बिफोर डिपार्चर लगा दी गई थी प्लेटफॉर्म पर। फिर हम लोग बोर्डिंग के लिए निकलते हैं। फिर चढ़ के पता चलता है कि हम लोग के सीट पर कोई और पैसेंजर बैठा हुआ है, मतलब मेरे सीट पर नहीं, बल्कि हम लोग के जो ग्रुप में कुछ पैसेंजर्स थे उनके सीट पर कोई और बैठा हुआ था, कोई और पैसेंजर। तो हमारे जो मेंबर थे, ग्रुप मेंबर, उन्होंने उनको उठने के लिए कहा, वो कोई पैसेंजर जो उनके सीट पर बैठे हुए थे। तो उनका सीट लोअर था और जिसका लोअर रहता है उसको विंडो साइड मिलता है। तो वो क्या होता है ना कि वो थोड़ा रफ़ लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं वहाँ से उठने के लिए, तो उनको उसको बुरा लग जाता, मतलब जो बैठा हुआ था उसको बुरा लग जाता है। फिर क्या होता है, वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, जो करना है कर लो। और ये भी बोलता है कि भाई फ़ौज का ही बेइज्जती मत करना, फ़ौज का बेइज्जती मत करना। हम लोगों को पता ही नहीं था कि, पहली बात तो फ़ौज से हम लोगों को पता नहीं था, और पता नहीं क्यों वो बार बार बोले जा रहा था कि फ़ौज की बेइज्जती मत करना, फ़ौज की बेइज्जती करना। अगर वो इतना ही अच्छा फ़ौजी है तो वो अपनी सीट पर बैठता ना, किसी और के सीट पर क्यों बैठा। जब वो ट्रेन को बोर्ड किया तो वो अपने सीट पे बैठता है। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का यही तो लक्षण है, जो उनको सीट मिला वो वहाँ पर बैठे, लेकिन वो किसी और के सीट पे बैठा होता और ऊपर से सीना जोरी कर रहा था। तो ये वीडियो आप देख पाएंगे जिसमें वो झगड़ा कर रहा है, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया था। गाली नहा दिया, गजब आदमी है, गाली आते रहे, चप्पल से मारेंगे, बोलेंगे नियम नहीं है, नियम यही है भाई, मिडिल ऊपर किस लिए है, कौन बोला कैसा नियम, कौन बोला, हम लोग प्रीमियम तत्काल देके आ रहे हैं। बोल रहे हटो, हटो, अरे आप ही लोग तो बोल रहे कि नहीं हटेंगे, अरे ठीक है, शांति 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 शांति, वो तो बात अलग है, लेकिन आप तो प्यार से बोलेगा ना, जैसे आप, हाँ तो आप प्यार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको बैठने दीजिए 4 नंबर पे, अरे ठीक है ठीक है, इधर बैठने के लिए बोला है, तो फिर वो ये भी बोलता है कि भाई अगर तुम ज्यादा फौज की बेइज्जती करोगे तो चप्पल से मारेंगे। हालांकि बेइज्जती कोई नहीं कर रहा था, हम लोग गलत वर्ड यूज ही नहीं किए, आप चेक कर सकते हो वीडियो में, एक भी गलत वर्ड नहीं है, बस हम
जो हमारे ग्रुप मेंबर थे वो थोड़ा रफ़ लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं उठने के लिए, बस यही बात था। और वो इतना बकबक किया जा रहा था। एक्चुअली मुझे क्या लगा ना उसका एटीट्यूड देख के कि वो लोग बॉलीवुड का फिल्म देखा हुआ है जिसमें एक सोल्जर कितना कुछ बवाल मचाता है, ये करता है वो करता है, उसी का नशा उसका ये मतलब पावर का ये चढ़ा हुआ था उसके सिर। भाई देखो अगर हमारे जो ग्रुप मेंबर है वो उसको रफ़ लैंग्वेज में बोल भी दिए उठने के लिए तो भाई बोलता ना वो कि हाँ भाई हमें थोड़ा देर यहाँ बैठने दो, कुछ देर बाद हम लोग अपने सीट छोड़ देंगे, नाइट में तो 10 बजे के बाद नियम है कि आप बेड लगा सकते हो, तो फिर तो हटना ही पड़ेगा उसको। तो वो ये भी नहीं बोला और ऊपर से क्या गाली गलौज भी किया कुछ, और बोला था चप्पल से मारेंगे और ये वो। अब भाई कहीं भी गलत होते देखोगे तो बोलने का मन करता ही है, बट फिर भी अंकल ने चुपचाप चुप करा दिया हम लोग को और मैं जाके अपने सीट पे सो गया क्योंकि मेरा माथा बहुत दर्द कर रहा था। सुबह में मैं बहुत सारा जगह पर गया था, बहुत सारे जो इवेंट्स छोटे छोटे काम थे वो किया था, और उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ा था सैटरडे को रात को, सैटरडे को नहीं आई थिंक फ्राइडे को रात को। तो ये सब होने के बाद 1:15 में हम लोग जैसे ही उतर जाते हैं, मतलब एक बजे ही रहता है तो अंकल मुझे उठा देते हैं और ट्रेन ढुक रही होती है, मतलब ट्रेन घुस रही होती है जेसीडी स्टेशन पे। तो हम लोग जेसीडी उतर जाते हैं, फिर वहाँ पर हमारा टिकट विकेट चेक होता है, उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जेसीडी स्टेशन पे काफ़ी आश्रम उश्रम लगा हुआ था, मतलब जो आराम करने की जगह थी वो बहुत बना हुआ था, टेंट वेंट लगा हुआ था, बहुत लोग आराम भी कर रहे थे, कांवड़िया जो जाते हैं ना कांवड़ लेकर, उन लोगों के लिए ऐसा नॉर्मल जो भी बोलबम जाते हैं उनके लिए था, रेस्टिंग प्लेस था वहाँ पर। फिर मैं देखा कि स्टेशन भी बहुत अच्छे तरह से सजा हुआ था, जयसीडी का अच्छा स्टेशन है, देखने में अच्छा लगता है, और सामने में एक शिव जी का मूर्ति था, मैं उसका भी दर्शन कर पाया। फिर हम लोग नेगोशिएट करने लगे कि गाड़ी का भाड़ा कितना देना है, और वहाँ से स्टेशन वहाँ से मंदिर जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 30 मिनट या 45 मिनट लगता है, मेरा भाड़ा का याद नहीं है, मैं आपको हो सके तो इसको कट करके भाड़ा का क्लिप डाल दूंगा, अंकल से पूछना पड़ेगा कि भाड़ा कितना लगा था, मुझे याद नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, फिर हम लोग मंदिर पहुँच जाते हैं, फिर हम लोग उतरते हैं, वहाँ से मार्केट रहता है, मार्केट को नेगोशिएट करते हुए निकलते हैं। फिर हम लोग क्या होता है ना, वहाँ पर शिवगंगा में जो भी जाते हैं उनको नहाना पड़ता है, शिवगंगा एक बहुत बड़ा पॉन्ड है वहाँ पर, उसमें नहाकर आप फिर जल को इकट्ठा करके एक पात्र में डाल के आप ढालने के लिए जाते हो शिवलिंग के ऊपर में मंदिर में। तो उसके पहले हम लोग का ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, संकल्प करते हैं पंडित जी को लेकर, फिर वो हम लोग का संकल्प कराते हैं, फिर हम लोग सुबह सुबह जल्दी से मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो इस बार क्या है ना कि सावन थोड़ा एक्सटेंड हुआ है तो भीड़ बहुत कम था, हम लोग लेट सावन के टाइम में गए थे तो भीड़ बहुत कम था, हम लोग 21 अगस्त को गए थे, 21 अगस्त नहीं यार, अच्छा कोई और डेट था मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पर भीड़ बहुत कम था, हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मैं रूल फॉलो करके नहीं जाता हूँ, और दीवार से सट के जाने से आपको दर्शन होगा, अगर आप इधर में हो तो आपको ठेल के बाहर निकाल दिया जाएगा, पुलिस लोग ठेल के मुझे बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पर ना वुमेन लोग चिपकी हुई थी और मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मैं शिवलिंग का दर्शन नहीं कर पाया, हालांकि पानी ढार दिया था मैं, लेकिन शिवलिंग का दर्शन नहीं कर पाया। तो मैं थोड़ा सा निराश होता हूँ, फिर बाहर में एक स्क्रीन लगा हुआ था वहाँ पर मैं शिवलिंग को देख पाता हूँ, वहाँ पर जल जाता है, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, तो मैं वो सब देखता हूँ। फिर आरती करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं भगवान को, वहाँ पर कुछ फोटोज़ भी लेते हैं मेमोरी के लिए, बासुकीनाथ धाम के लिए फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। फिर वहाँ पर भी हम लोग को ऑटो को नेगोशिएट करना पड़ता है कि भाड़ा कितना देना है, आई थिंक 150 पर हेड पड़ा था अप डाउन का, बासुकीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ के लिए। तो फिर हम लोग ऑटो करते हैं, और भाई वो बहुत ही गलत डिसीजन था क्योंकि हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, करीबन 14-15 लोग थे, तो ऑटो पूरा पैक हो जाता है, मतलब 3-3 पीछे, फिर 4 आगे, फिर 3 आगे, 4-3 7 7 4 11 वही 11-12 जन रहते हैं। तो फिर क्या होता है, आधा रास्ते में मेरा पेट फूलने लगता, मतलब पेट में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, तो मैं छत पे जाता हूँ, छत पे बैठकर सफ़र करता हूँ ऑटो का छत पे। और भाई वहाँ से जो नज़ारा मिलता है ना झारखंड का, मतलब बाबा बैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ धाम के बीच में जो ट्रैवल किया मैंने 50 किलोमीटर का, और उसमें जो मुझे व्यू दिखा ना झारखंड का ग्राम इलाके का, वो कमाल था भाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब यादगार हो गया। मेरे को यही अच्छा लगता है, नेचर को देखना, पहाड़ पेड़ पौधे नदी खेत ये सब मुझे देखना अच्छा लगता है, ये सब सीनरी मुझे पसंद है, नेचर मुझे बहुत ही पसंद है यार। और सुबह में एकदम सावन के टाइम में जब धूप ना हो और बादल छाया हो तो सोच ही सकते हो क्या सीन होगा, और गजब का मज़ा आया। मैं वीडियो है शूट किया हूँ इसका, मैं आपको यहाँ पर अभी लगा दूंगा वो वीडियो। तो हम आए थे बोलबम और हम अभी टोटो के छत के ऊपर से सफर कर रहे हैं, यहाँ से क्या कमाल का नज़ारा दिख रहा है, ये ग्राम इलाका झारखंड का, और हम लोग यहाँ ऊपर में बैठ कर इन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं।
गजब का व्यू था यार, और माउंटेन्स को देखकर और भी बहुत मस्त लग रहा था। लोग कहते हैं लोग निकलते ही नहीं बाहर में, झारखंड बहुत खूबसूरत है, हर जगह ही खूबसूरत है, वहाँ पर भी खूबसूरती है, नेचर की ब्यूटी है अभी भी। तो फिर हम लोग सफ़र करते हैं, फिर कुछ देर बाद बासुकीनाथ धाम पहुँच जाते हैं। कुछ देर नहीं, बहुत टाइम लगा था, 52 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैवल करना पड़ा, एक घंटे से ऊपर लगा था, क्योंकि 52 किलोमीटर हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा था वहाँ से। और कमाल का मज़ा आया यार, कमाल का व्यू था हर जगह, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर सेम प्रोसेस रहता है, आपको पंडित को लेना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। वहाँ भी एक पॉन्ड है जहाँ पर आप नहा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं नहाया था क्योंकि ठंड लग जाता, बुखार उखार का भी डर था, तो हम लोग नहीं नहाते वहाँ पर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शिवगंगा में नहा चुके होते हैं। फिर वहाँ पर हम लोग पानी डालते हैं, एक वो जो पात्र होता है लोटा जैसा, उसमें और सारा कुछ सामग्री डालते हैं उसमें जो चढ़ाना है, फूल, बेलपत्र और भी बहुत सारे भांग वांग सब एवरीथिंग उस पात्र में डाल के संकल्प करके फिर हम लोग जाते हैं मंदिर, और मंदिर में जाकर जल ढालते हैं। तो वहाँ पर बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं था, तो हम लोग जल्दी से वहाँ पर जल ढाल लिए थे। फिर वहाँ पर हम लोग का दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया था शिवलिंग का। फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, तो काफ़ी वहाँ पर ना जो श्रावण का जो मेला है ना, बहुत ही गजब था, हर चीज़ मिल रहा था। मुझे तो बहुत चीज़ खरीदने का मन था, लेकिन अंकल बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, और ग्रुप में बहुत लोग बोल रहे थे कि जल्दी निकलते हैं, तो वो लोग जल्दी निकल गए। और ऊपर से हम लोग एक और गलती करते हैं ना, कि वो जो ऑटो वाला था उसको रिटर्न बुक करते हैं, रिटर्न जाने के लिए भी, इसीलिए अदरवाइज़ अगर रिटर्न नहीं बुक किए रहते तो हम लोग थोड़ा देर और स्पेंड करते हैं श्रावण का जो मेला लगा हुआ था। और एक बात, वहाँ पर खाना भी खाएं, खाना आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है, ऑलमोस्ट 60 रुपये में आपको भर पेट खाना मिल जाता है, थाली, चावल, दाल, एवरीथिंग, पापड़ वापड़ एवरीथिंग, और सलाद भी मिल जाता है। तो फिर हम लोग को खाना खा के वहाँ से निकलना पड़ता है, और बहुत ही अच्छा लगता है मेला घूम के, काफ़ी मतलब आदिवासी लोग भी रहते हैं वहाँ पर, मैं लोगों को देख के इतना खुशी हो रहा था, क्या बताएं, कैसे कैसे परिवार आए हुए थे, और लोगों को देख के बहुत ही मज़ा आया। तो वहाँ से हम लोग 12 बजे के लगभग निकल जाते हैं, फिर वैसे ही सफ़र करते हैं, और उस टाइम थोड़ा धूप हो जाता है तो थोड़ा गर्मी लगता है। तो फिर 12 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ पर धूप हुआ रहता है, और वैसे ही सीन देखने मिलता है, पहाड़ देखने मिलते हैं बहुत सारे, जो गजब लगता है, मन करता है कि उसको स्केल करें, मतलब उसको ट्रेक करें पहाड़ को। और वहाँ पर तपोवन करके एक जगह भी है जहाँ पर आप पहाड़ पर जाके मंदिर है वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हमारे पास समय नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए, तपोवन में नहीं गए। हालांकि मैं ऑटो से देख पा रहा था कि वो पहाड़ था, वहाँ पर उसके ऊपर मंदिर था, लोग ट्रैक करके ऊपर जा रहे थे। तो फिर हम लोग पहुँच जाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, और हमारे ग्रुप में से कुछ लोग गाड़ी पकड़ के वो लोग स्टेशन चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब दो ग्रुप आके एक मिल गया था, तो वो लोग आगे चले जाते हैं 12 बजे, मतलब 1 बजे करीब। और फिर हम लोग वहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम फिर पहुँचते हैं, फिर हम लोग सफ़र करते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि कहीं आश्रम ढूंढा जाए। तो उस टाइम श्रावण का टाइम था, और बहुत भरा हुआ था सब जगह जो आश्रम थे वो भरे हुए थे, लोग खाली नहीं था, कोई भी रूम नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग ग्रुप में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्टेशन चलते हैं, वहाँ पर आराम करेंगे। तो दो गुटों में बढ़ जाता है ग्रुप, एक बोलता है कि स्टेशन चलो, एक बोलता है कि आश्रम ढूंढो। जो ग्रुप स्टेशन जाने के लिए बोल रहे थे उनका बात मानना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग स्टेशन निकलते हैं। फिर स्टेशन जाकर पता चलता है कि भाई गाड़ी 4 घंटे लेट। हम लोग का कुंभ एक्सप्रेस था ट्रेन, भाई गजब लेट था वो, देहरादून से खुलता है और हावड़ा जाता है। तो फिर हम लोग वेट करते हैं स्टेशन पर, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और वहाँ पर थोड़ी मोड़ी इधर उधर करके सोते भी हैं कुछ जगह। फिर आखिरी में जो ग्रुप जल्दी स्टेशन जाने को बोल रहा था, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बलिया सल्दा पकड़ लेते हैं जो ऑन टाइम आ जाती है, और विदाउट टिकट उसमें सफ़र कर लेते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, हम लोग बोलते हैं, हमारा जो ग्रुप था वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेट होगा लेकिन हम लोग अपने ट्रेन से ही जाएंगे, और जब वो आएगी तो आराम से जाकर अपने जो सीट है उस पर सो जाएंगे, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग वहीं पे स्टेशन पे रुकते हैं। फिर हम लोग का ट्रेन ऑलमोस्ट थ्री आवर लेट पहुंचता है स्टेशन पर, और हम लोग स्टेशन जब पहुंचता है तो हम लोग सीधे जाकर अपने बेड लगा लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि रात का 12 बज गया था मेरे ख्याल से। तो फिर हम लोग सो जाते हैं, और भाई ऐसा भयानक सोते हैं ना ट्रेन में कि क्या बताएं, इतनी थकान थी, और जो नींद आया भाई, मतलब जाकर ऊपर चढ़ के सोया, जैसे ही स्टेशन पे खुला भी नहीं था ट्रेन, तभी मैं ऊपर जाके सो गया था, अपर बर्थ था खाली था तो मैं जाके सो गया। और भाई जब हावड़ा स्टेशन पे घुस रही थी ट्रेन और रुकने ही वाली थी जस्ट, तब मेरा नींद खुलता है और मैं उठता हूँ, और मेरा एक पैर में ऐसा पैर रखता हूँ कि झुनझुनी भर जाता है एक उंगली में, और उसका अभी भी पूरा सेंसेशन वापस नहीं आया। तो भाई ये था छोटा सा कहानी मेरे सफ़र की बाबा बैद्यनाथ धाम की। मैं पहली बार गया था, और भाई अब रेगुलर जाना चाहूँगा, हर साल जाना चाहूँगा, और जाऊँगा, कोशिश करूँगा। तो फिर वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।